जब आपका फीमर का फ्रैक्चर होता है, लोअर लेग का फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि आपको 4 से 6 हफ्तों के लिए नॉन वेट बेयरिंग करना होती है। अब आपकी मजबूरी है कि आप अपस्टेयर रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं और आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो इंतहाई सेफ्टी के साथ कैसे सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि एक हाथ में आप क्रच पकड़ लें, एक हाथ में रेलिंग पकड़ लें, हल्का सा जितना बेस्ट पॉसिबल आपकी हिप पे बेंडिंग हो सकती है, नी पे बेंडिंग हो सकती है, उतना सेफ्टी के साथ आप बेंड कर लें। इसके बाद आपने पूरी जो फोर्स है, आपने पूरा वेट जो है वो क्रच पर डालना है और दूसरे हाथ से रेलिंग को अच्छे तरीके से पकड़ना है और फिर हल्का सा हॉप करके आपने सीढ़ी चढ़नी है। फिर उसके बाद आपने रेलिंग को ऊपर से पकड़ना है, सारा वेट अपना क्रच पे डालना है, हल्का सा हॉप करके आपने इस तरह से सीढ़ी चढ़नी है। उतरते वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि उस टांग के ऊपर बिल्कुल वेट ना पड़े। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आराम से आपने रेलिंग को पकड़ना है, क्रच को पकड़ना है, हल्का सा हॉप करना है और फिर आपने सीढ़ियाँ उतरनी है। अगर आप इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो इंतहाई सेफ्टी के साथ, फ्रैक्चर के साथ भी आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं।